आज हम बना रहे हैं कटोरी चाट। उसके लिए हमने एक कटोरी मैदा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा रिफाइंड डालेंगे जितना कि इसमें इसका मोया लग जाए। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कितना रिफाइंड डालना है। अब हम इसको नमक को रिफाइंड मिला लेंगे। अच्छे से मिलाना है हमें कि पूरे में अच्छे से इसमें मैश हो जाए और इस तरह से ये मुट्ठी बन, इस तरह से ये मुट्ठी बनने लगी है, यानी कि ये इसमें मोआ अच्छा हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम एक इसका डो तैयार करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, हमारा गीला भी हो सकता है, हमें हल्का सा टाइट रखना है पूरी जैसा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस डो तैयार कर रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा डो रेडी हो गया है। इसको तो ये हम इस तरह से इसको गूंथ लेंगे। और जो हमारा डो रेडी हो गया है, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, एक दो मिनट के लिए। इस तरह से हमने अब इसको हम एक दो मिनट बाद देखेंगे। हम देखेंगे हमारा डो रेडी हो गया है। इस तरह से थोड़ा और इसको हम फेंट लेंगे और इसकी अब हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी एक कटोरी मैदा में 5 कटोरी रेडी हो जाएंगी। तो हम एक छोटी सी ये लेंगे। इस तरह से हमने गिलास लिया है क्योंकि हमें छोटी वाली बनानी है कटोरी। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये हमने ऑयल लिया है, चारों तरफ इसके थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे इसे हमारी चिपके नहीं। अब इसको हम हाथ की सहायता से फैला लेंगे। आप चाहें तो बेलन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फैला लिया है। हमें हल्का मोटा ही रखना है इसको और इस तरह से इसको हम कटोरी का आकार देंगे, चिपकाते जाएंगे इसको हम। इस तरह से हमने ये कटोरी बना ली है, देख सकते हैं पूरा कटोरी का आकार आया है इसमें। अब एक फोक की सहायता से इसमें हम छेद करेंगे जिससे हमारी ये फूले नहीं और अच्छे से सिक भी जाएगी। तो इस तरह से हमने पूरा छेद कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे। हमारी ये कटोरी रेडी है, हमने कढ़ाई ली है, उसमें हमने रिफाइंड डाला है और अब हम इसमें इसको ऐसे डालेंगे। कढ़ाई को हम तेज को थोड़ा आंच को गरम कर देंगे और इस तरह से इसको हम रखा रहने देंगे। इसके बाद फिर थोड़ी देर तक इसको रखा रहने देंगे इस तरह से। अभी हमारा गिलास गरम नहीं है तो इसको हम ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे जिससे कि ये चारों तरफ से सिक जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से घुमा रहे हैं, गिलास हमारा बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है। तो हम हाथ से अब इस तरह से किनारियों से ऐसे घुमाते जाएंगे इसको हम। तो ये हमने थोड़ी देर से इसमें डली हुई है, बिल्कुल गर्म नहीं हुआ है गिलास। हम कोशिश करेंगे इसकी किनारियां ऐसे निकालने की। आप देख सकते हैं कितने आराम से इसकी किनारियां निकल रही हैं क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया था। और ये कटोरी हमारी रेडी हो गई है, गिलास को हम निकाल के रख दिया है। अब इसको हम धीमी आंच पर सेकेंगे। अब इसको उल्टा कर देंगे और धीमी आंच पर इसको हम सेकेंगे। इसी तरह से हम दोबारा से फिर ऐसा ही सेव करेंगे। तो इस तरह से हम फिर इसको एक डोई बनाया हमने और इसको हाथों से हमने फैलाया। हाथों से हमें मालूम चल जाता है कहाँ पर मोटा करना है, कहाँ पतला करना है। और हम गिलास के ऊपर इसको फिर से ऐसे अप्लाई करेंगे और इसको हम फिर कटोरी का आकार देंगे। गिलास हमारा गर्म नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने फिर से कटोरी को इसको आकार दे दिया है हमने और इसको फोक की सहायता से हम फिर इस तरह से कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं कि हमने फिर से दोबारा से कटोरी रेडी कर ली। उसी तरह से चारों किनारे से चिपका देंगे हम, जितने हो सके उतने ऊपर करेंगे। छोटा ही कटोरी बनाना है हमें। अब हम देखेंगे हमारी वो कटोरी रेडी हो गई होगी। इसको हमने उल्टा किया था, आप देख सकते हैं, तो ये अंदर से भी रेडी हो गई है, अच्छे से सिक गई है अंदर। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से। थोड़ी देर और इसको हम सेकेंगे, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये कटोरी हमारी सिक गई थी, तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसको हमें एक प्लेट पे उल्टा करके ही रखना है। इस तरह से जितना ऑयल हुआ निकल जाएगा। तो हमारी पहली कटोरी रेडी हो गई। अब हम दूसरी कटोरी इसी तरह से इसको भी सेक लेंगे। ये कटोरी हमारा रेडी था, तो हमने ये कटोरी लिया है। अब इसमें हम थोड़ा मटर डालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर हम आलू डालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर प्याज डालेंगे और ये इमली का चटनी है। इसका रेसिपी हमने दिया है, आप लोग कमेंट्स में बताना, अगर चाहिए हो तो लिंक डाल देंगे हम। अब इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए इसमें अनार डालेंगे। तो इस तरह से हमारा कटोरी चाट रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम पूरा खा सकते हैं, घर पर मेहमान आएंगे तो आप इसको बना सकते हैं, हमारा कटोरी चाट। और पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।